इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम ऑयल एक्सपोर्ट रोक देगा। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत में पहले से ही पाम ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। इससे पहले 2008 और 2011 में पाम ऑयल के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। तब के मुकाबले इस बार भाव 45% ज़्यादा हैं। दरअसल भारत खाद्य तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत सबसे ज़्यादा पाम तेल और सोया तेल का आयात करता है। रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा बताता है कि मार्च में खाद्य तेलों की कीमत एक साल के मुकाबले 19% ज़्यादा थी। वहीं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी का कहना है कि इंडोनेशिया के पाम तेल पर बैन लगाने के फैसले से भारत में इसके भाव में 10% का तुरंत उछाल आएगा। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 13 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया। यह एक साल पहले 15 लाख टन आयात के मुकाबले कम है। इसके बावजूद पिछले वित्त वर्ष में भारत का खाद्य तेल आयात पर होने वाला खर्च एक साल पहले के मुकाबले 72% बढ़कर 1.4 लाख करोड़ पहुंच गया है। पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के इंडोनेशिया के फैसले से खाद्य तेलों की ग्लोबल मार्केट में तूफान आया है। दरअसल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पाम तेल का ही होता है। कुकिंग ऑयल की कुल खपत में इसकी हिस्सेदारी 40% है, सोया तेल की हिस्सेदारी 32% और रेप मस्टर्ड ऑयल की हिस्सेदारी 15% की है। पिछले 12 महीने में खाद्य तेलों के लिए बहुत खराब रहे थे। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। 2020 और 2021 के ज़्यादातर हिस्से में इसका उत्पादन खराब रहा। इसकी वजह मजदूरों का अभाव था। कोरोना की वजह से मजदूर अपने घर लौट गए थे। उधर अर्जेंटीना में 2021 में सोया की फसल खराब रही। यह सोया तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसने थोड़े समय के लिए एक्सपोर्ट रोक दिया। फिर एक्सपोर्ट टैक्स 31% से बढ़ाकर 33% करने के बाद एक्सपोर्ट शुरू किया था। वहीं कनाडा और यूरोप में कैनोला की फसल खराब हो गई। यह दोनों कैनोला ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। फिर फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट रुक गया। ध्यान देने वाली बात है ये है कि खाद्य तेलों की कीमतें पहले से ही ज़्यादा चल रही थी। हाल की घटनाओं के चलते यह और ज़्यादा आसमान में पहुँच गई। भारत में दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी उछाल आया है। अब खाद्य तेलों के दाम बढ़ने से महंगाई को और बढ़ावा मिलेगा। मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन भारत में 6.95% पहुँच गया। यह 17 महीने में सबसे ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।